नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में संगम के तट पर। यहां स्काउट गाइड के बच्चे लोगों को मदद कर रहे हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे स्काउट गाइड यहां पर पूरे देश से आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, हम यहाँ सर लोकल के लिए प्रयागराज, हमारे स्काउट की टीम में सर 20 स्टेट से बच्चे आए हुए हैं और हमारी दो प्रकार की ड्यूटी बांटी गई है, एक सुबह की एक शाम की। तो 50 बच्चे सुबह आते हैं, 50 बच्चे शाम को ये संगम पे आते हैं तट पे। ये जितने भी श्रद्धांजलि हैं, जैसे जो नहीं भी आ पा रहे हैं उनको लेके आते हैं और जो गंदगी फैला रहे हैं उनको मना करते हैं कि सर इसको डस्टबिन में यूज़ करिए और यहाँ पे वॉश नहीं करना है, सेल्फी नहीं अलाउड है। तो इसको हम लोग समझाते हैं प्यार से। और कितने बच्चे आए हैं पूरे देश सर? सर हमारे में 20 स्टेट से 100 बच्चे आए हुए हैं, जिसमें से टू सेक्टर में बताया मैंने, टू सेक्टर में ड्यूटी बांटी गई है। हम लोग ट्रैफिक का भी रूल्स का वो करते हैं सर, देखते हैं और घाट पे जितने भी श्रद्धांजलि आते हैं उनको स्नान कराना, हर एक चीज हम लोग जितनी सेवा दी जा सकती है उतनी दे रहे हैं सर हमारी तरफ से। सुबह कितने बजे आ जाते हैं सर? हम लोग सुबह अपने टेंट से 7:30 बजे चलते हैं, हम लोग यहाँ 8:30 बजे आ जाते हैं। हमारा सर रैन बसेरा 14 नंबर पायलट बाबा जी के जस्ट बगल के है, वहाँ से हम लोग सुबह 7:30 बजे। कब तक रहते हैं शाम को? सर हम लोगों का दो शिफ्ट बताया, तो एक शिफ्ट 8:30 बजे से 1:30 बजे तक चलता है, दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से कहते हैं शाम को 7 बजे तक चलता है। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।